हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं गई थी बिरला पैलेटोरियम जो कि कोलकाता में है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें क्या दिखाता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग आसमान में जितना कुछ भी देखते हैं उस सब का जो स्टोरी है, जो साइंस है, वो सब हम लोग को दिखाता है। ये रहा टिकट काउंटर। तो अभी हम लोग टिकट के लाइन पे ही लगे हैं। ये शो आप लोग तीन लैंग्वेज में देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली में। तो मैं गई थी इंग्लिश वाला में देखने के लिए। एंड इधर आप लोग बस मेरे को ही देख सकते हैं क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, क्योंकि एक जन का 180 रुपीज़ करके था टिकट। सो नन ऑफ देम वेर इंटरेस्टेड इन कमिंग। एंड बेसिकली मैंने शो देखा ना तो मेरे को भी ऐसा लगा कि 180 रुपीज़ का तो कुछ था नहीं। मतलब हाँ, बहुत कुछ दिखाया समझाया, लेकिन वो हम लोग साइंस के बुक में भी पहले पढ़ चुके थे। एंड ये देखिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है मार्स के देवता, वीनस, अर्थ, मार्स, तो वो मार्स के देवता है। और यहाँ पे आगे चल के ही एक म्यूजियम भी है, वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आपका वेट अर्थ में कितना है एंड दूसरे प्लैनेट में कितना है। और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को मून का जो सरफेस एरिया है वो भी देखने को मिलेगा, एक ऐसा छोटा सा मॉडल के हिसाब से। तो अभी हम लोग हॉल से निकल के ये जो म्यूजियम है इसके अंदर आए हैं। एंड ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये वो जगह है जहाँ पे एस्ट्रॉयड वगैरह गिरते हैं अर्थ में। एंड ये देखिए, इधर आप लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हैं वेट अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट। और इसी के ठीक बगल में था ये जोडियक साइन, जो कि हर आदमी का अलग अलग राशि होता है। ये एक ऐसा ड्राइंग है जो यूनिवर्स अपना खुद का स्टार्स से बनाते हैं। एंड इसमें बहुत सारा शेप होता है, जैसे कि बफेलो, शीप, फिश, स्कॉर्पियन, लायन और भी बहुत सारा। तो जल्दी से आप लोग मेरे को आपका राशि का जो सिंबल है वो मेरे को कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को पता है कि मेरा कौन सा है, मेरा जो फर्स्ट में रहता है एरिस, वही है मेरा। तो ये देखिए, ये रहा मून सरफेस एंड वो रहा अर्थ। ये बस एक छोटा सा डेमो दिया गया है ताकि हम लोग समझ पाए कि मून का सरफेस किस तरीके का होता है। तो यही था म्यूजियम का एंड और मेरे को अच्छा ही लगा, बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में लगा मेरे को। लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो एक विजिट के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो उसके बाद मैं बाहर निकल गई और फाउंटेन कितना सुंदर दिख रहा था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।